Good morning students, welcome to the online class of English. Today I am going to start a new poem. On Killing a Tree. On Killing a Tree is a poem written by Deep Patel. In this poem, the poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. He equates trees with humans to convey that trees should not be cut, because destroying trees is just like a killing by a human being. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को मारते हैं, ऐसे ही जब हम ट्रीज को कट करते हैं सिमिलर होता है कि जैसे हमने किसी आदमी को मार दिया. एंड अ ट्री डजंट डाई बाय मेरली कटिंग बिकॉज इट रीग्रोज फ्रॉम वेयर इट इज कट. जो ट्री होता है कभी नहीं मरता है, क्योंकि आपने जब अगर ट्री को ऊपर से काट दिया तो दोबारा से वो रीग्रो कर देता है, दोबारा से वो हरा हो जाता है. एंड इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड देन इट हैज टू बी अपरूटेड. अगर आप चाहते हैं कि ट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो ट्री का क्या, ट्री को अपरूटेड करना पड़ेगा, उनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा. अगर आप ऊपर से ट्री को कट देंगे तो वो दोबारा से रीग्रो रीग्रो कर जाते हैं. ठीक है, तो ट्रीज को जो मारना है, किलिंग ऑफ अ ट्री इज सिमिलर टू द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. लेट्स स्टार्ट. इट टेक्स मच टाइम टू किल द ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. Will do it, it has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out its leprous hide, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree, means agar aapne tree ko katna hai to tree ko cut karne ke liye aapko kya hai bahut zyada time lagega. Not a simple jab, jab means sudden rough blow. ऐसा नहीं है कि आपने नाइफ के साथ इजीली ट्री को कट दिया, कि नाइफ जैसे आप सब्जी काट देते हैं नाइफ उठा के, ठीक है, पोटैटो कट देते हैं, जो कैबेज वगैरह ना, तो ऐसा कैरेट जैसे है ना, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सिंपल मीन्स आपने नाइफ को उठाया और नाइफ को उठा के आपने कट दिया. ये सिंपल जॉब नहीं है ट्री को कट करना. विल नॉट डू इट एंड इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. कंज्यूमिंग मीन्स यूजिंग, मीन्स जो ट्री है जो अर्थ को यूज करके बड़ा हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग मीन्स मूव अप, मीन्स जो ट्री है अर्थ से इसने एनर्जी ली है, अर्थ से एनर्जी लेके जो क्या है राइज हुआ है, जो बड़ा हुआ है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मतलब जो अपर लेयर ऑफ अर्थ. अब्सॉर्बिंग मीन्स टेक समथिंग इन स्लोली, मीन्स जो ट्री है ट्री ने अर्थ से जो फ्यूल है, अर्थ से जो मटेरियल है उसको फीड किया, उसको खाया, और अर्थ के क्रस्ट से इसने जो है ऑब्जर्व किया. एंड ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, मैनी ईयर्स तक इसने सनलाइट को यूज किया, एयर को यूज किया, वाटर को यूज किया. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस, लेप्रस मीन्स इरेगुलर, हाइड मीन्स आउट ऑफ व्यू, स्प्राउटिंग मीन्स टू प्रोड्यूस लीव्स, मीन्स जो ट्री है ट्री ने ट्री को जो कटना है इतना इट टेक्स मच टाइम टू किल द ट्री, मीन्स ट्री को कटने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ट्री को मारने के लिए बहुत टाइम लगेगा. ये इतनी सिंपल जॉब नहीं है जैसे आपने नाइफ से किसी चीज़ को कट कर दिया, ऐसे ट्री को हम कट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो ट्री है इट हैज ग्रोन ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, के अर्थ को यूज करते करते जो स्लोली स्लोली ग्रो अप हुआ है, इसने अर्थ से फीड लिया, अर्थ की क्रस्ट से की अपर लेयर से फूड लिया, इसने सनलाइट को ऑब्जर्व किया, इसने एयर को वाटर को ऑब्जर्व किया, एंड बहुत सा टाइम इसको ग्रो अप होने के लिए लगे. एंड अब तक ये इरेगुलर मीन्स अपने आप को मीन्स इसकी ग्रोथ हुई है. एंड आफ्टर दैट जो इनके ऊपर जो जो स्प्राउटिंग लीव्स इनके ऊपर जो ट्रीज है प्रोड्यूस हुई हैं, कि ट्री को कटना इतना सिंपल जॉब नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा मीन्स अर्थ के साथ इतना अटैच है, क्योंकि इसने सारे का सारा खाना अर्थ से लिया है. एंड नेचर के हाथ इतना अटैच है कि डायरेक्टली इसने सनलाइट जो नेचर से ली है एंड एयर वाटर जो इसने यूज किया, तो इसको कट करना सिंपल जॉब नहीं है. So hack and choke, but it alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise gold green wings, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. To hack, so hack means cut. Hack means cut.
चॉप मीन्स कटिंग इन पीसेस, सो हैक एंड चॉप मीन्स आप इसको कट करते हैं, इनके पीसेस बनाते हैं, बट इज लॉन्ग गॉन डू इट। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ऐसा काम कर लेंगे, ट्री को कटना, ट्री के टुकड़े टुकड़े करना, ट्री के पीसेस करना किसी सिंगल पर्सन की जॉब नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इनके साथ इनको ज़्यादा जो पेन है वो भी नहीं होगा। ट्री को जब आप काटेंगे तो इनसे क्या है कि ट्री को ज़्यादा कोई पेन भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार, ब्लीडिंग बार मीन्स, ब्लीडिंग मीन्स टू लूज ब्लड, जैसे ब्लीडिंग होती है ब्लड निकलता है, बार जो हार्ड आउटर जो पार्ट होता है ट्री का। हील मीन्स टू रिकवर, हील मीन्स टू रिकवर, ठीक हो जाना। एंड फ्रॉम क्लोज, क्लोज मीन्स नियर टू द ग्राउंड, अगर आप ट्री को काटेंगे ट्री से, ट्री की कोई ज़्यादा पेन नहीं होगा। इसकी जो ब्लीडिंग वाक है, जो इसकी जब आपने इसकी वाक को जिसका हार्ड जो आउटर जो पार्ट है तना जो है स्टेम जो है अगर उसको कट दोगे वो दोबारा से हील कर जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड से दोबारा क्लोज हो जाएगा। विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विग्स, दोबारा से इनकी ग्रीन जो ट्विग्स होती हैं उनसे जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं ट्री की, जो स्मॉलर जो थिन ब्रांचेज होती है वो ट्विग्स होती है। तो इनकी जब आपने ट्री को कट कर दिया इसकी ब्लीडिंग जो वाक है वो दोबारा से हील कर जाएगी, दोबारा से रिकवर कर जाएगी। जहाँ से आपने ट्री को कट दिया वहाँ से इनकी थिन जो ब्रांचेस है वो दोबारा निकल आएगी। एंड मिनिएचर ग्रोज एंड विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, एक्सपेंड होता है टू इंक्रीज इन साइज। एंड इसका जो है वो है, इसका जो थाना है जो स्टेम है वो दोबारा से बड़ा हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा टू फॉर्मर साइज, पहले वाले साइज में दोबारा आ जाएगा। मीन्स अगर आपने ट्री को कट कर दिया, ट्री के पीसेस कर दिए, तो यहाँ से आपने ट्री को कट किया, ट्री के कोई भी पेन नहीं होगा। आपने अगर किया है कि जो इसकी ब्लीडिंग बात है वो ठीक हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट जो ग्राउंड से दोबारा जो एनर्जी लेगा, आफ्टर गेटिंग एनर्जी द कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स जो इसकी जो छोटी छोटी इसकी थिन जो ब्रांचेज है वो दोबारा निकल आएगी। एंड धीरे धीरे क्या है बड़ा होता जाएगा। एंड सेम एक्सपेंड अगेन, दोबारा से सेम सिचुएशन में, फॉर्मर सिचुएशन में पहले वाले साइज में जो ट्री है दोबारा हो जाएगा। मीन्स आप ट्री को मान नहीं सकते। नेक्स्ट है नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट एंड पुल्ड आउट इन डायरेक्टली आउट फ्रॉम अर्थ केव एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स लाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर इयर्स इन साइड द अर्थ। नो, ये तो आप ऐसा नहीं कर सकते। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आप मीन्स ट्री को, अगर आप ट्री को कट रहे हैं, ट्री को डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब आप ट्री को कट देते हैं जहाँ से इनके ब्रांच को आपने तोड़ा है उसकी बजाय इनकी क्या है न्यू ब्रांचेस दोबारा से निकल आएगी, दोबारा से ग्रो हो जाएगी। इट्स नॉट ईजी टू उखाड़ दो। अगर आपने ट्री को उखाड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, ट्री की जो रूट्स हैं, पुल्ड आउट मीन द रूट, आपको ट्री को अपरूटेड करना पड़ेगा, इनकी जो रूट्स हैं उनको निकालना पड़ेगा। एंड आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग मीन्स होल्ड, मीन्स होल्डिंग मीन्स इसको अर्थ ने, जो ट्री है ट्री को अर्थ ने होल्ड करके रखा हुआ है, जो जहाँ पे अर्थ ने इसको कैच किया हुआ है, एंकर किया हुआ है। तो अर्थ की कैच से, अर्थ की एंकरिंग से आपको क्या है होल्डिंग जो अर्थ ने इसको किया हुआ वहाँ से आपको ट्री को निकालना पड़ेगा, अर्थ के साथ इसकी अटैचमेंट खत्म करनी पड़ेगी। एंड टू बी रोप्ड, रोप्ड मीन्स कॉर्ड टाइट एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, आपको इसको क्या है रोप के साथ ठीक बांधना पड़ेगा। आफ्टर दैट इसको क्या है रोप्ड मीन्स रोप के साथ इसको टाई करना एंड टाइट, ठीक है, टाइट विद रोप एंड पुल्ड आउट। आफ्टर दैट यू हैव टू पुल द ट्री एंड स्नैप आउट, फिर नीचे जड़ से इसको निकाल के बाहर निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट इन डायरी, डायरी मीन्स कम्प्लीटली, एंड इसको कम्प्लीट जो है ट्री कम्प्लीट का कम्प्लीट ट्री आपको निकालना पड़ेगा। अगर उसका थोड़ा सा भी स्टेम अर्थ में रह जाता है तो वो क्या है दोबारा से ग्रो कर जाता है। ट्री का जो अगर स्टेम अर्थ में रह जाए, थोड़ा सा भी इसके रूट अर्थ में रह जाए, ये दोबारा से रीग्रो कर देता है। तो आपको इसको काटने के लिए और पुल आउट इन डायरी मीन्स कम्प्लीट ट्री को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर इसका अर्थ के साथ टच रह गया ये दोबारा से रीग्रो हो जाएगा। एंड आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ की जो केव है, अर्थ में इसके लिए जो
गुफा बनाई हुई है उनसे आपको निकालना पड़ेगा। और द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स एफर्ट ऑफ द ट्री एक्सपोज, एक्सपोज मीन्स टू डिस्क्लोज। द सोर्स वाइट एंड वेरी द मोस्ट सेंसिटिव, सेंसिटिव मीन्स डेलिकेट, हिडन फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ। तो क्या है कि आपको पूरे का पूरा ट्री निकालना पड़ेगा, इसका जो अर्थ ने जो इसके लिए केव बनाया हुआ वो केव आपको इसका खत्म करना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, ट्री की जो स्ट्रेंथ है इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको एक्सपोज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, जो सोर्स इनको मटीरियल जो प्रोवाइड हो रहा है, जैसे अर्थ से ही अपनी एनर्जी ले रहा है, फूड ले रहा है, वाइट मीन जो जहाँ से सनलाइट से ही अपनी एनर्जी ले रहा है अपना फूड, वेट मीन जो नीचे से वाटर वगैरह जो अपना कंज्यूम कर रहा है। आपको सारे कदम मोस्ट सेंसिटिव मीन जिन सारा जो मटीरियल है आपको उसको क्या है कि हिडन मीन्स कट ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा फॉर इयर्स इन साइड द अर्थ, क्योंकि इसने बहुत सालों से अर्थ के बीच में से जे जो है फूड है वाटर है सनलाइट है ये सारे का सारा बहुत सालों से अर्थ से लिया है। इट मीन्स इसका डायरेक्ट जो जो कॉन्टैक्ट है वो अर्थ के साथ है, अर्थ इसको कभी नहीं छोड़ेगी। तो अगर आपने ट्री को मारना है, अगर ट्री को किल करना है, तो आपको क्या है कि अर्थ के साथ इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट जो ट्री है से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग द सन एंड इन सन एंड एयर, बर्निंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विदरिंग एंड देन इट इज डन। मैटर मीन सिचुएशन, ऑफ स्कॉर्चिंग मीन्स, स्कॉर्चिंग मीन्स टू वर्न स्लाइटली, चॉकिंग मीन्स ब्लॉकिंग ब्रीज इन सन एंड एयर, देन द मैटर, इतने में क्या है कि सिचुएशन क्या होगी। ऑफ स्कॉर्चिंग, ऑफ स्कॉर्चिंग मीन्स बर्न, आपको जलाना पड़ेगा ट्री को, एंड चॉकिंग मीन्स इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना पड़ेगा। अगर आप ट्री को कट देंगे, उसको जला देंगे, उसके छोटे छोटे पीसेस बना देंगे, इन सन एंड एयर बर्निंग एंड हार्डनिंग, हार्डनिंग मीन बिकम हार्ड। अगर आप क्योंकि इस जिस सन के साथ एयर के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, एंड ट्विस्टिंग मीन्स टर्न एंड विदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन इन पीसेज, अगर आप इसको पीसेज में टुकड़े टुकड़े कर दोगे देन इट इज डन, देन इट इज डन मीन्स देन यू कैन किल द ट्री, मीन्स ट्री को मारना कोई ईजी जॉब नहीं है। अगर आप ट्री को किल करना चाहते हैं, ट्री को मारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थ से टोटली अपरूट करना पड़ेगा। टोटली अपरूट करने के बाद उसको जलाना पड़ेगा, इसके छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे, इनकी स्ट्रेंथ खत्म करनी पड़ेगी, धन आप क्या है ट्री को मार सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको ट्री को कभी नहीं मारना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ट्रीज हैं ये भी ह्यूमन जैसे हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स बनते हैं सेम होता है ट्रीज भी ऐसी बनती। ओके बेटा, थैंक्स क्लास, हैव अ नाइस डे, आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड।